तो कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी YouTube चैनल डॉक्टर चंद्रेश वेव। तो 17 जून आज ही के दिन का ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने आज सुबह ही एक डाला था और बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल और नॉलेजेबल वीडियो है वो, ठीक है। उसको आप सही से देखिएगा, ठीक से समझिएगा और उसके अंदर जो नॉलेज मैंने दिया है वो पेड कोर्स का नॉलेज है। वो एक्चुअली आप बाज़ार में जाएंगे, 50-60 हज़ार रुपये खर्चा करेंगे तब जाके वो नॉलेज जो है आपको मिलेगा। तो दोस्तों वही नॉलेज मैंने है ट्राई किया है आपको फ्री में देने के लिए और आपको समझाने के लिए। आज जो है मैंने सोचा कि चलो भाई, सुबह सुबह ही थोड़ा मैं अच्छा फील कर रहा था तो एक नॉलेजेबल वीडियो जो है डाल देने देता हूँ। और उसके साथ ही साथ में अभी जो है मैं निफ्टी का पूरा एनालिसिस आपके सामने रख देता हूँ। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आपको पता लगा होगा कि ये साल फिफ्थ वेव जो है ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। एक्चुअली जो है फिफ्थ वेव डेवलप हो रहा है जिस हिसाब से वो, बन रहा है, बहुत ही जो है हम लोग एक मान लीजिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है। तो उसी चीज़ को समझेंगे, ट्राई करेंगे समझने का और डिटेल में उसको, और आज और थोड़ा डीप में जाने की कोशिश करेंगे और कहीं पर हमसे कुछ गलती रह गई है उसको भी जो है हम सुधारने की आज कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पे जाने से पहले, सबसे पहले मैं छोटी सी एक रिक्वेस्ट हर रोज़ की तरह, हर वीडियो की तरह आपसे करना चाहूँगा कि हमारी यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको जो है फ्रीक्वेंटली नई नई अपडेट हमारी यूट्यूब चैनल पर आने वाले नए नए वीडियो की जो है मिलती रहे दोस्तों। तो सीधा चलते हैं हम निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पे और यहाँ पर जो है मैं इस सारी चीज़ को थोड़े से वो करने के लिए डेली टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं, एक मैं जो है, एक तो मेरा जो नॉलेज है इलियट वेव का वो तो मैं इस्तेमाल करता ही हूँ, साथ ही साथ में एक जो AI बेस्ड सिस्टम है उसको भी मैं ट्राई करता हूँ। और जो वो है वो हमें जो है एनालाइज करके देती है, मोटा मोटी व्यू दे देती है। कई बार हम अगर वो गलत भी होते हैं, ऐसा कोई नहीं है, कोई स्ट्रेटर्जी कोई सिस्टम जो है 100% राइट नहीं होती है, बट जब गलत हो तो आपके पास जो है उसका एक परफेक्ट स्टॉप लॉस सिस्टम पे होना चाहिए। वो अति आवश्यक है, वो बेहद जरूरी है दोस्तों। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ तक का जो अपना वेव कांड था उसमें अपना फिफ्थ वेव फेलियर यहाँ पर जो है 28 मार्च 2023 को हुआ था और उसके बाद में अगर ये अपना करेक्शन ख़त्म कर लिया है और यहाँ से इसका इम्पल्सिव मूव जो है स्टार्ट हुआ है दोस्तों, तो ये इम्पल्सिव मूव का फर्स्ट वेव जो है, अगर मैं गिनूँ बड़ी टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव जो है उसको डेवलप करने के लिए उसने यहाँ पर छोटी टाइम फ्रेम में जो है छोटे छोटे मूवमेंट जो है यहाँ पर दिखाई है। और उसको दिखाने के लिए उसने 1 नंबर 2 नंबर ये 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर टाइप का जो कुछ का जो जनरेट वेव जो है उसने किया है दोस्तों। तो उस चीज़ को, सिस्टम को हम और डीपली समझने के लिए यहाँ फिफ्थ वेव का टारगेट जो है निकालने के लिए हम लोग जो है इस चीज़ को थोड़ा चैनलिंग करते हैं और यहाँ पर 2-4 ट्रेंड लाइन जो बेसिक इलियट वेव है उसको थोड़ा लागू करने की कोशिश करते हैं, शायद हमें और कुछ नया जानने को मिले। तो संभावित टारगेट निकालने के लिए 2-4 ट्रेंड लाइन और उसके पैरेलल एक जो है ट्रेंड लाइन चैनल ड्रॉ की जाती है। आपको शायद पता ना हो तो मैं बता दूं, यहाँ 2-4 ट्रेंड लाइन डाली जाती है और उसके पैरेलल एक 3 नंबर से एक ट्रेंड लाइन जो है खींची जाती है। तो ये जो है संभावित टारगेट जो है निकल के आता है और ये संभावित टारगेट जो है इन फ्यूचर हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसको जो है अब फिफ्थ नंबर वेव जो है यहाँ जाती हुई और अचीव करती हुई दिख सकती है। तो ये हमारा 19,100 के आसपास का है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी हमने समझने के लिए इस चीज़ को देख लिया है, ठीक है, कि 19,100 19,200 तक जा सकता है। अभी इसी चीज़ को, ये फिफ्थ नंबर की वेव है, इसको हम जो है ये फिफ्थ नंबर की वेव में एक्चुअली हमें प्रॉब्लम आ रहा है और वो जो है कहीं ना कहीं नीचे आने की हम जो है एक आस लगाए बैठे हैं और वो नहीं आ रही है। तो उसको भी हम देखेंगे कि यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 या ये 6 है या नहीं, ठीक है। और ये जो है ऊपर की साइड में इस तरह से कुछ डेवलपमेंट हुआ है। तो इसको हम जो है फिफ्थ वेव को एनालाइज करने के लिए छोटी टाइम फ्रेम जो है अपनी 1 आवर टाइम फ्रेम उसमें चले जाते हैं। और जैसा शायद आप के लिए मैं वीडियो लेकर आया था और उसमें मैंने बताया था कि अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है यहाँ पर तो
कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है फिर से हमें इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा इस पूरी की पूरी जो है स्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है उस चीज का। तो यहाँ पर इस चीज को मैं जो है थोड़ा सा इजी करने के लिए आपके लिए जो है एक जो है ट्रेंड लाइन यहां से उस हिसाब से मैं इस चीज को गिनना चाहूंगा, ठीक है। तो वो जो है यहां से मैं अगर ड्रॉ करूं, फिफ्थ नंबर वेव को ही समझना है, ये फिफ्थ नंबर वेव है वो अपना पक्का है, कहां पर खत्म होगी बस वही हमें जानना है। तो यहां पर एक नंबर तो ये बन गया अपना, ये दो नंबर हो गया दोस्तों, ये तीन नंबर, ये चार नंबर है जो पूरा का पूरा। और चार नंबर देखिए यहाँ पर, ये दो नंबर थोड़ा डाउन साइड आया, 61.8 के आसपास होगा ये मे बी। तो ये जो है अपना चार नंबर जो है वो 38 के आसपास का रिट्रेसमेंट मुझे लग रहा है। वो चार नंबर यहाँ से पांच नंबर गया, फिर ये छः नंबर, ये सात आठ और ये नौ नंबर, ठीक है। तो टोटल जो है नौ वेव अब तक यहाँ पर बन चुकी है, एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन। आप जानते हैं पांच नंबर, पांच और चार नौ, और नौ और पांच और जो है अपना 13 14 वेव, उस हिसाब से ये चलता है जैसा अपना नंबर हम जो है प्रिडिक्ट करते हैं उस हिसाब से। तो ये जो है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो अपना है, फिबोनाकी का जो रूल है उसके हिसाब से नाइन और उसके आगे वाला जो नंबर है वो अपना हो गया फाइव नंबर, फोर नंबर। तो नाइन और फोर 13, तो यहाँ पर नाइन प्लस और फोर 13 तक जो है डेवलप हो सकती है। बट अभी के लिए अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये जो चीज़ है, ये जो सारी की सारी चीज़ है, इसको हम अगर और अच्छे से समझते हैं तो ये जो है यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं फिफ्थ वेव जो है ख़त्म हो सकता है, ठीक है। और मैं ऊपर की अगर बात करूँ, ये अगर यहाँ पर अगर ऊपर चला जाता है तो 18,900, 19,000 या फिर उससे भी ऊपर 19,100। बट यहाँ पर जो है लॉन्ग के लिए आपके लिए ये टारगेट खाली इतना सा बचता है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग का टारगेट है, अगर करते हैं भी आप लॉन्ग तो भी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, अगर आप इसको लॉन्ग करते हैं तो आपका मेरा व्यू। अगर ये फिफ्थ वेव मान लीजिए यहाँ पर ही कहीं पे खत्म हो जाता है तो ये जो है करेक्शन में वापस जो है आएगा, और इसको मैं अगर वापस मैं चला जाऊँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वापस अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर चला जाऊँ और ये बड़ी टाइम फ्रेम की अगर एक नंबर की वेव होती है, अगर ये वाकई में इम्पल्स है और बड़ी टाइम फ्रेम की एक नंबर होती है, ठीक है, वो सा एक नंबर अगर ये होती है, तो मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसको यहाँ से डालना चाहूँगा, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ भी अगर ये चला जाता है 18,900 तक भी अगर ये चला जाता है, अगर अनिल सर डांस भी कर लेते हैं क्योंकि ये नया लाइफ टाइम हाई लग जाएगा, वो मैं एक्चुअली देख रहा था जी बिजनेस और उस पर वो बोल रहे थे कि कुछ अगर नया हाई लगेगा तो इस बार कोई नए नए बंदों का डांस वो दिखाएंगे। अगर अनिल सर डांस कर भी लेते हैं यहाँ पर ऊपर चला जाने के बाद, तो फिर भी ये यहाँ से दोस्तों एबीसी में रिट्रेस होगा, और ये 38% भी अगर रिट्रेस होता है तो भी ये 19,000 से लेकर वापस 18,800 से लेकर 18,900 से लेकर वापस जो है ये दोस्तों 18,200 तक वापस आ सकता है। ऐसा हमारा जो है डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी जो है ये हमें ये दिखा रहा है। अगर ये मान लीजिए पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर जो है बड़ी टाइम फ्रेम का एक नंबर का वेव है, अगर बड़ी टाइम फ्रेम का एक नंबर का भी वेव है तो दो नंबर है मिनिमम, उसको 38% का रिट्रेसमेंट देना पड़ेगा। ये 38% का जो रिट्रेसमेंट वो वापस 18,200 तक आ सकता है। ये दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आने वाले 15 से 20 दिनों की, ठीक है। ये एग्जैक्ट में 15 से 20 दिनों में ऐसा कुछ हो सकता है, वो मैं आपको समझाने की जो है कोशिश कर रहा हूँ। और ये अगर हो भी जाता है, ये अगर मान लीजिए हो भी जाता है, तो मैंने बोला जैसा 18,200 18,100 के जोन में वापस जो है निफ्टी आता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। बस देरी इस चीज की है कि ये फिफ्थ नंबर वेव कहाँ पर खत्म अपनी आपको करती है, ठीक है। और वो खत्म भी मैं आपको बोल दूँ, ये 19,200 के ऊपर मुझे नहीं दिख रहा है, 19,100 19,200, यहाँ से 300 से 400 पॉइंट का जो गेम है उसका बचा हुआ है। और वक्त के हिसाब से भी अगर मैं गिनूँ तो ज़्यादा नहीं है, हो सकता है आने वाले वीक में 4 से 5 दिनों में ये सब कुछ होता हुआ हमें देखने को नजर में आ जाए। तो ये हो गया निफ्टी के ऊपर मेरा व्यू। फिफ्थ वेव है थोड़ा सा
एक्सटेंडेड हुआ है। हमारा इंटरप्रिटेशन था कि ये 18600 से गिरेगा, फिर हमने लगा 18800 जाएगा, अभी लग रहा है 18900 19200 तक जा सकता है। ठीक है, तो जो मैंने ट्रेड यहाँ तक दिए हैं उस सब में मैंने स्टॉप लॉस तो आपको 40-50 पॉइंट से ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस अक्सर देता नहीं हूँ, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस देना। तो डेफिनेटली उसमें भी हमारा स्टॉप लॉस जो है हिट तो हुआ ही है दोस्तों, वो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ विथ रिग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी मैं छोटी टाइम फ्रेम में एक बार चला जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक रेड लाइन ड्रॉ की थी और वो स्टॉप लॉस जो अपना यहाँ पर हिट भी हुआ था, उसको हिट करने के बाद वापस नीचे आया और फिर गैप अप खुला, लग रहा था गैप अप खुलने के बाद फिर से वापस इस लाइन को वो ब्रेक नहीं करेगा, बट एज पर प्राइस एक्शन उसने जो है यहाँ एक बार टच किया, फिर दूसरी बार टच किया और तीसरी बार में उसने जो है ब्रेक कर दिया। और वो ब्रेक होने के बाद जो ये तीन कैंडलें हमें देखने को मिली है, वाकई में जो शॉर्ट सेलिंग वाले थे उनको ये डराने वाली ये 3 से 4 कैंडलें थी। ठीक है, ये फर्स्ट 4 जो ग्रीन कैंडल है उसको आप गिनिएगा। ठीक है, एक इसको 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 और इसको, ये 4 कैंडल है वाकई में जो शॉर्ट सेलिंग वाले थे उसको डराने वाले थी, और वहाँ पर एग्जैक्ट 20-30 पॉइंट का ऊपर छोड़ के, लाइफ टाइम हाई को छोड़ के वो वापस एक रेड कैंडल जो है उसने दिया, प्रॉफिट बुकिंग आया। तो अभी अगर मैं एक निफ्टी के बारे में और अगर मैं बताना चाहूँ तो ये जो है दोस्तों यहाँ पर तो हमने ब्रेक कर लिया है इसको। ठीक है, ये ब्रेक होते ही नीचे की साइड में, ये नीचे की साइड में जैसे ही ब्रेक होगा अभी तो हम समझ लेंगे कि ये जो है वापस जो है एक शॉर्ट टर्म के करेक्टिव मूव में जो है आ चुका है, और ये फिफ्थ वेव जो है उसका यहाँ पर कहीं ख़त्म हुआ है और वापस ABC में जो है एंटर हो जाएगा ये। तो ये होगा निफ्टी के ऊपर मेरा व्यू। मैं बुलिश अभी यहाँ से नहीं हूँ, यहाँ से ऊपर की साइड में ज़्यादा पॉइंट बचे नहीं है, तो इसलिए मैं लॉन्ग पोजीशन के आपको राय नहीं देता। अगर आपको मौका मिलता है 18900 19000 19200 के आसपास कहीं पर भी 100-200 उस जोन में आपको लगता है शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो डेफिनेटली आप शॉर्ट कर सकते हैं। तब तक मैं जो है आ जाऊंगा दूसरा वीडियो लेकर सोमवार की इवनिंग को, तो तब तक हमें ये जो है पता चल जाएगा। बट यहाँ से शॉर्ट के लिए ऑप्शन अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लॉन्ग के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटी है। मैं ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकालू ये पूरी मेरे जो अब तक का जो भाषणबाजी मैंने किया उसका। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में और एक चीज़ है जो छुपी हुई है और जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ थोड़े वक्त के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो नीचे आया यहाँ पर अपना फिफ्थ यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और उसके बाद में क्या हो रहा है उसको मैं अपनी सिस्टम क्या दिखा रही है वो मैं दिखाना चाहूँगा। ठीक है, जब तक ये जो 5 नंबर का पॉइंट है वो ब्रेक नहीं हो जाता है ऊपर की साइड में, ठीक है, तब तक ये एज अ करेक्टिव मूव दिखा रहा है। तो अगर ये भी एक संभावना है, अगर ये सही होती है कि वाकई में ये पूरा का पूरा काम था दोस्तों, देखिए ये बात मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ रीज़न है इसका। ये अगर ए वेव है वाकई में और उसके बाद में ये अगर बी वेव है तो यहाँ पर सी वेव डेवलप करने के लिए वो 16800 तक जो है आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक जहन में रख के चलिएगा, जब भी ये नीचे आएगा करेक्टिव मूव में, ठीक है, तो आपके पास अगर स्पेयर मनी है तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, फिर से आपको अच्छे अच्छे स्टॉक है वो सस्ते रेंज में जो है खरीदने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी के ऊपर मेरा पूरा व्यू। इसके बाद में हम चले जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या है तो उसमें भी सेम एज वही है, फिफ्थ वेव हम मार्क करते हैं फिर वो गलत हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं हमने यहाँ छोटी टाइम फ्रेम में ये ड्रॉ करने की कोशिश भी की थी कि ये ABC डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी फिफ्थ वेव है, बड़ी टाइम फ्रेम का फिफ्थ वेव अपना सिस्टम तो दिखा रहा है भाई, ये तो बहुत क्रूर हो जाएगा अगर इस हिसाब से अगर हो रहा है, होने वाला है। ठीक है, तो इसको मैं जो है 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में अभी भी बैंक निफ्टी जो है वो कुछ ऐसा प्रिडिक्ट कर रहा है कि उसने जो है ये बी वेव जो है डेवलपिंग मोड में है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक इसने ये बनाया, फिर वापस ABC बनाना स्टार्ट कर दिया, तो ये फिफ्थ बनाने के बाद उसने जो है यहाँ पर इसको पूरा का पूरा ए वेव के हिसाब से डेवलप किया, तो उसने एक A, B और C टाइप का करेक्शन किया, उसके बाद में ये B डेवलप करने के लिए ऊपर जा रहा है। तो
यहाँ पर ये बी अगर इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करता है 44,210 को, तो ये वापस सी जो है 43,000 तक के नीचे के लेवल इसमें भी ओपन तो है ही दोस्तों बैंक निफ्टी में भी। तो वही मैं बता रहा हूँ कि बुलिश ज़्यादा रहने में जो है मज़ा नहीं है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, और ये चीज़ जो है आने वाले वक्त में हमें मे भी देखने को मिल भी सकती है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी यही है दोस्तों। मैं ट्रेड तो कोई नहीं दे रहा हूँ बैंक निफ्टी में, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि ये भी जो है नीचे आ सकता है, और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये जो रेंज है 44,000 की, उसको जो है वो कहीं ना कहीं रिटेस्ट करने के बाद वापस जो सी वेव बनाने के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम में जो है आ सकता है, और 1000 पॉइंट तक की गिरावट जो है बैंक निफ्टी में भी आती हुई हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो ये हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर मेरा व्यू। उसके बाद में जो है और एक इंडेक्स है जिसके बारे में हम बात करते हैं, डाउ जोन्स। तो उसके बारे में थोड़ा सी जो है एनालिसिस देख लेते हैं। तो डाउ जोन्स का चार्ट है, उसमें जो है दोस्तों उसने भी ना जो है फिफ्थ वेव यहाँ पर बनाया, ऐसा हमें इंडिकेशन दिया, और उसके बाद में 1 आवर टाइम फ्रेम में वापस जो है वो ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो यहाँ नीचे आने की कोशिश जो है कर रहा है। तो उसमें भी जो है अगर कन्फर्मेशन मिलता है लास्ट टाइम में जो लो लगा था उसको ब्रेक करता है, तो ये थोड़ा सा नीचे है 400-500 पॉइंट नीचे, इसको अगर ब्रेक करेगा तो इसको हम मानेंगे कि वाकई में ये एबीसी करेक्शन में आ सकता है, वरना फिर अपना फिफ्थ वेव जो है कंटिन्यू रहेगा। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के रूप में और एक जो है ऊपर की साइड में मूवमेंट वो दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। ये सिस्टम अपना जो है वो 5 तक ही दिखाता है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। मगर यहाँ पर एक अगर ये है, 2 है, ये 3 है साफ, 4, ये 5, ये 6, 7, ये 8 अगर इसके नीचे नहीं जाता है तो ये 9 नंबर डेफिनेटली ऊपर की साइड में जो है बनाएगा। तो ये हो गया डाउ जोन्स का मेरा व्यू। अगर नीचे आ जाता है इसको ब्रेक करके तो एबीसी डेवलप करेगा, अगर यहाँ से वापस ऊपर चला जाता है इसको सपोर्ट लेकर तो ये जो है 9 नंबर का एक और वेव कंप्लीट करेगा, और अपना जिस हिसाब से करेक्शन 9 नंबर की वेव के बाद हो सकता है उस हिसाब से इसमें भी जो है आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। MRPL की बात करूं, मैंने लास्ट शायद गुरुवार को बात किया था कुछ MRPL के बारे में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला था, बट वो दोस्तों जो था और वो जो मैं बता रहा था आपको कि अगर बड़ी टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन से निकल रहे हैं कुछ स्टॉक तो उन पे हमेशा निगाहें अपनी बना के रखिए। ये वाले जो स्टॉक है ये, इसमें भी मैं खास बात करूँ MRPL, ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में आपको जो है पैसे डबल करके देने वाला स्टॉक मुझे जो लग रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में देखिए 200 की EMA के आसपास कंसोलिडेशन, और यहाँ ट्राई कर रहा है ऊपर जाने के लिए। मंथली टाइम फ्रेम में 200 EMA के आसपास कंसोलिडेशन, ट्राई कर रहा है ऊपर जाने के लिए। वक्त के हिसाब से भी अगर मैं गिनूँ, 2007 में उसने फिफ्थ वेव डेवलप किया था, तो उसके बाद में टोटल इसका 16 साल निकल चुका है। हो सकता है निकलेगा ऊपर तो बहुत चीरफाड़ करता हुआ जाएगा, मल्टीबैगर स्टॉक साबित होगा MRPL, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा क्रूड की अगर बात कर ले हम, ठीक है, उससे पहले US ऑयल को देख लेते हैं। ठीक है, US ऑयल जो है तो इसमें तो मैंने जैसा आपसे बात किया था कि इसमें मैं ज़्यादा बियरिश नहीं हूँ, ये यहाँ पर जाने के बाद वापस नीचे आया है, बट यहाँ पर देखिए ये रेंज भी है इसका, और फ्रीक्वेंटली एक जोन है इसका यहाँ पर, ये पूरा का पूरा जिसमें आकर प्राइस जो है वापस ऊपर चला जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या फर्दर मूवमेंट है, बट मैं इसमें बियरिश नहीं हूँ, बुलिश हूँ डेफिनेटली हूँ। यहाँ पर था तब भी मैंने बोला 67-68 के आसपास, मैंने टारगेट आपको 70 USD के आसपास दिया था, उसके बाद में वापस ये 68 के आसपास आया, फिर से मैंने बोला ये वापस ऊपर जा सकता है, और गया भी है कहीं ना कहीं दोस्तों। तो ये जो है MCX क्रूड की मैं बात करूं और US ऑयल की बात करूं, दोनों की मैं जो है इसमें बुलिश हूं, और बड़ी टाइम फ्रेम का टॉप लगाने के लिए जाएगा दोस्तों, और वो टॉप लगने के बाद अगर मैं आपको एक बात बताऊं, पता नहीं ये सही है या गलत है, मैं आपको अगर इसको कहना चाहूं कि बड़ा टॉप लगने के बाद ये कहीं ना कहीं वापस करेक्शन में तब आएगा जब EV अपना सेक्टर जो है उसी वक्त पे जो है मार्केट पे हावी होना स्टार्ट होगा। तो देखिए दोस्तों स्टोरी भी है,
प्राइस भी है, चार्ट भी है, ठीक है। यहाँ वो फिफ्थ वेव बनाने के बाद वापस एबीसी के करेक्शन में जब आएगा, तब तक तो हो सकता है अपना जो है ईवी वाला जो है ये फॉर्मूला चालू हो जाए। ये फिफ्थ वेव इतना जल्दी नहीं लगाएगा यहाँ पर, थोड़ा अभी वक्त लेगा, अभी कंसोलिडेशन करने के बाद लगाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना यूएस ऑयल के बारे में बात। एमसीएक्स क्रूड सेम जैसा यूएस ऑयल के अंदर मेरा व्यू है, वैसा ही व्यू मेरा है एमसीएक्स क्रूड के अंदर। और वीकली टाइम फ्रेम की 200 ईएमए के आसपास इसका कंसोलिडेशन है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर गिरीश जी के लिए मैं छोटा ट्रेड देना चाहूँ, ठीक है, तो ये जो है एक्सैक्ट इस सारी ड्राइंग को मुझे जो है रिमूव करना पड़ेगा। ओके ठीक है, हो गया। तो यहाँ सी वेव जो है, अगर यहाँ से भी मैं गिनूँ, अगर ये लास्ट जो इसका बॉटम लगा है वो अगर उसका एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर जो है डेवलपिंग मोड में है और यहाँ अच्छे से कंसोलिडेट होगा दोस्तों, मुझे लगता है उतना जल्दी ये ऊपर नहीं जाएगा। ये ऐसा एक दो बार होगा, फिर जाने की कोशिश करेगा और फिर इसमें जो है नए टॉप लगते हुए हमें एमसीएक्स क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। ऐसा हमें चार्ट पे जो है कहीं ना कहीं इंडिकेशन जो है आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में ऑयल की बात कर ली, बिटकॉइन को देख लेते हैं। छोटा सा व्यू अपना बिटकॉइन के ऊपर जो है अपनी राय जो है साझा करते हैं दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने जो है बिटकॉइन में एक ट्रेड इनिशिएट किया था और मैंने उसको यहाँ पे लॉन्ग किया था। ये 24,836 ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, मैंने कितना है ये क्वांटिटी मैंने पेपर ट्रेड लिया था और उसको मैंने यहाँ पे काट दिया था, ठीक है। तो उस वक्त भी मैं यहाँ पर बुलिश था, यहाँ पर भी मैं बुलिश था, यहाँ पर भी मैं बुलिश था और यहाँ पर भी बुलिश था। अभी जो है ये फिफ्थ वेव कहीं ना कहीं इसका डेवलप हो चुका है, तो कुछ वक्त के लिए बिटकॉइन है सुस्ताएगा और वो क्या करेगा वो मैं आपको बता दूँ, यहाँ से वापस इस जोन में आएगा और यहाँ पर ऐसा कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगा। या तो फिर ये जो रेंज है उसकी, ये जो उसकी रेंज है यहाँ तक प्राइस रुकेगा और ये मूविंग एवरेज को ऊपर आने देगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ बिटकॉइन के अंदर भी आने वाले वक्त में होते हुए देखने को मिलेगा दोस्तों। गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड तो अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड जो है, याद है कुछ दिनों पहले मैंने एक बात आपको बोली थी कि यहाँ पर मुझे 61,000 के आसपास गोल्ड जो है महंगा लग रहा है और वो जो है अभी सस्ता हुआ है, मगर इससे भी और सस्ता होगा ये कहीं ना कहीं जो ये पूरा का पूरा जो एक फॉर्मेट डेवलप हुआ है उसके बाद में एक बाउंस जरूर आएगा। बाउंस उसका आएगा 59,000 या मान लीजिए 60,000 के आसपास भी गोल्ड चला जाएगा, मगर उसके बाद में सी वेव डेवलप करने के लिए वापस वो है नीचे की साइड में आता हुआ दिखाई देगा दोस्तों गोल्ड। तो ये हो गया बिटकॉइन की बात, गोल्ड की बात भी अपनी हो गई, ठीक है। उसके अलावा और तो कुछ नया डिस्कस करने के लिए नहीं है। एमआरपीएल था उसमें ब्रेकआउट जैसा था कहीं ना कहीं, विप्रो मैंने आपको बोला है, ठीक है। विप्रो में देखिए यहाँ मैंने बोला वो 390 के ऊपर अगर निकलता है तो इसमें आप लॉन्ग बनाइएगा, ठीक है। 390 से लॉन्ग बनाइएगा, आपका टारगेट जो रहेगा 400 तक का रहेगा। 10 रुपये का ये प्रॉफिट है, ठीक है, 10 रुपये का प्रॉफिट है। और ये जब भी घूम के आएगा ऊपर की साइड में तब इसमें जो है ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ में टेक महिंद्रा, तो टेक महिंद्रा में आपको बोला है तैयार रहिए। दो चीज़ें इसमें हो सकती है, अगर ये वीकली टाइम फ्रेम की जो ये रेंज उसकी है यहाँ पर अगर आता है नीचे की साइड में, ठीक है, यहाँ पर मैंने जो बोला था आपको 1,015 1,020 के आसपास, तो भी आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। अगर उसमें आपका स्टॉप लॉस बैठेगा 980 के आसपास का और टारगेट ऊपर की साइड में बैठेगा 1,120 के आसपास का, और अगर ये डेली टाइम फ्रेम में अगर यहीं से घूम जाता है, ठीक है, अगर यहीं से आपको अगर इसमें ट्रेड इनिशिएट करना है तो आप जो है 1,070 के आसपास इसमें लॉन्ग कीजिए, आपका स्टॉप लॉस इसमें डाल दीजिए 1,060 का और आपका टारगेट जो है दोस्तों सबसे पहला 1,100 का रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 1,120 का। तो ये एक ट्रेड है इनिशिएट कर सकते हैं आप टेक महिंद्रा और विप्रो दोनों के अंदर। तो यहीं पे मैं दोस्तों वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। जाने से पहले फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारी वीडियो को आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब
बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको जो है आप ऑन कर लीजिए, ताकि फ्रीक्वेंटली आपको हमारी यूट्यूब पे नई नई अपडेट जो है मिलती रहे दोस्तों। तो यहीं पर ये वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।